हेलो एवरीवन दिस इज पीयूष एंड वेलकम टू जेन स्टडी आज के वीडियो में हम एक एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू पॉलीनेटर्स और उसके कंजर्वेशन तो नॉर्मली जब हम पॉलीनेटर्स की बात करते हैं तो व्हाट वी थिंक अबाउट आर इंसेक्ट्स एंड मोस्टली बीज बीज आर द प्राइमरी पॉलीनेटर्स और सबसे ज़्यादा फोकस और रिसर्च जो है इन टर्म्स ऑफ पॉलीनेशन वो बीज पे ही किया जाता है बट आज के वीडियो में हम जिन पॉलीनेटर्स की बात कर रहे हैं दीज आर मैमल्स बर्ड्स एंड मोस्टली मैमल्स दीज आर ऑल्सो ग्रेट पॉलीनेटर्स तो इनके इनके क्या क्या थ्रेट्स हैं इनको इकोलॉजिकल uh, क्या क्या थ्रेट्स हैं और साथ ही इनके क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में सो लेट इज स्टार्ट तो जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा फोकस जो है वो फ्लैगशिप स्पीशीज पे होता है लाइक जो बड़े स्पीशीज बड़े मैमल्स होते हैं लाइक टाइगर्स एलिफेंट्स और जो छोटे स्पीशीज होते हैं वो जनरली इग्नोर कर दिया जाता है या उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता जब रिसर्च वगैरह की जाती है और ये जो स्पीशीज होते हैं दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली तो वैसा ही कुछ देखा गया है पॉलीनेटर्स के केस में दैट मोस्ट ऑफ द स्टडीज ऑन द इम्पॉर्टेंस एंड द थ्रेड टू पॉलीनेटर्स आर फोकस्ड ऑन बीज एंड मैनमल्स एंड बर्ड्स दीज आर इग्नोर्ड ऑफ एंड इग्नोर्ड तो दीज आर मोर निगलेक्टेड देन इंसेक्ट पॉलीनेटर्स और अभी एक न्यू रिसर्च की गई इंडिया में जिसके तहत ये पाया गया कि ये जो पॉलीनेटर्स है ये जो बर्ड और मैमल पॉलीनेटर्स है ये काफी ज्यादा थ्रेटेड है तो अगर हम स्टडी की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो ज्यादातर ये जो मैमल पॉलीनेटर्स है दे आर लोकेटेड दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द साउथ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट बेसिकली केरला के कुछ रीजन लाइक कोलम एंड कन्याकुमारी ऑफ इन तमिलनाडु तो ये कुछ रीजन है जहाँ पे ज्यादातर ये जो मैमल पॉलिनेटर्स है ये लोकेटेड है सिचुएटेड है बर्ड पॉलिनेटर्स की अगर हम बात करें तो दे आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री बट जो मैमल पॉलिनेटर्स है वो जनरली इसी रीजन में यानी वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट में वहां पर ये कंसंट्रेटेड है स्टडी के हिसाब से अराउंड एटी बर्ड एंड मैमल स्पीशीज जो है इंडिया में दे आर पॉलीनेटर्स एंड दिस इज अराउंड फाइव परसेंट ऑफ टोटल बर्ड एंड मैमल स्पीशीज ठीक है ये पॉलीनेटर्स की तरह काम करते हैं इन्वायरमेंट में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स या फिर ग्रेटर शॉर्ट नोज फ्रूट बैट इसके अलावा स्क्वेरल्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे पॉलीनेटर्स हैं ये कुछ स्टडीज के हिसाब से ऐसा पाया गया अब हम थ्रेट और इम्प्लीकेशन की बात करते हैं कि इन पॉलीटर्स को थ्रेट्स क्या 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 थ्रेट्स हैं तो सबसे पहले है ह्यूमन एक्टिविटीज एग्रीकल्चर लॉगिंग ये सारी चीज़ें फूड एंड मेडिकल पर्पसेस के लिए जो हंटिंग की जाती है इनसे काफ़ी ज़्यादा जो थ्रेट है वो बढ़ गया है स्पेशली बैट्स या जो कि और भी दूसरे जो मैमल्स हैं ठीक है तो ह्यूमन एक्टिविटी सबसे बड़ा थ्रेट है उसके अलावा जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इन पे रिसर्च ज्यादा नहीं होता है अब नॉर्मली ये जो मैमल्स हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं ये जो मैमल पॉलीनेटर्स हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं ठीक है एंड नॉर्मली जो कंट्री है एशियन अफ्रीकन कंट्री इन रीजन में दे आर पुअर कंट्रीज यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च जो है फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है यहाँ पे फंडिंग्स नहीं है ऐसे रिसर्च कंडक्ट कराने के लिए और जो नॉर्दर्न कंट्रीज है जो कि रिच कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता इन पॉलीनेटर्स को मैमल पॉलीनेटर्स को तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है जिसके कारण जो प्रोटेक्शन जो मिलना चाहिए इन्हें वो इन्हें नहीं मिल पाया है नेक्स्ट अब इसका इम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो रिड्यूस्ड फूड प्रोडक्शन एंड प्लांट एक्सटिंगशन लॉस ऑफ फंक्शन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक डैमेज तो ये जो मैमल्स है ये जो पॉलीनेटर्स है स्पेशली बैट्स जो है बैट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलीनेटर्स है ऑल दो इनका रेपूटेशन थोड़ा खराब है फॉर ह्यूमन्स बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन्वामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बैट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट हैं तो बैट्स जो है वो हेल्प करते हैं जो फ्रूट्स होते हैं उनको पॉलीनेट कराने में या जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो प्लांट स्पेशीज़ हैं या ट्री स्पेशीज है उनको पॉलीनेट कराने में फ्रूट्स जैसे फ्रूट्स को पॉलीनेट कराने में काफी ज्यादा बैट्स का रोल होता है तो वैसे रीजन में जहां पे इन पॉलीटर्स का नंबर कम है वहां पे फ्रूट प्रोडक्शन भी देखा गया है कि इट रिड्यूसेस तो इसलिए ये फूड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद डाइवर्सिटी लॉस ऑफ फंक्शनल एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर ये स्पीशीज लॉस होंगे देन जो हमारा प्लांट प्रोडक्शन है जो रिप्रोडक्शन है वो भी नहीं हो पाएगा जिससे कि जेनेटिक डायवर्सिटी का लॉस होगा नेक्स्ट अगर हम बैट्स की बात करें तो बैट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीनेटर्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में ठीक है दे आर द की पॉलीनेटर्स एंड सी डिस्पर्स ठीक है बहुत सारे इकोनॉमिकली और मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो कि बैट्स की, की वजह से पॉलीनेट कर पाते हैं साथ ही अभी देखा जाए इंडिया में देखा गया है कि देर इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ दीज बैट्स डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ह्यूमन uh, एक्टिविटी के कारण तो है ही फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट ये सारे रीज़न है उसके साथ ही जो मैमल्स होते हैं वो इंसेक्ट के जैसा उनका रिप्रोडक्टिव रेट नहीं होता ये थोड़ा स्लो रिप्रोडक्टिव रेट होता है इनका और जो मेच्योरिंग एज होता है वो काफ़ी ज्यादा होता है जिसके कारण जो पॉपुलेशन है वो इतना जल्दी जो है वो रिप्लेनिश नहीं करता उसमें टाइम लगता है एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स तो इसलिए जो इस तरह के मैमल्स है ये जो पोलिनेटर्स हैं इनका कंजर्वेशन और भी ज्यादा जरूरी है दूसरे जो इंपॉर्टेंट दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैमल है वो है इंडियन ज्वाइंट स्कोरथ ठीक है अब इन पे भी थ्रेट है ड्यू टू अनसस्टेनेबल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड हार्वेस्टिंग ठीक है इन सब के कारण जो है ये इनके ऊपर भी एक एक्सटेंशन का थ्रेट है कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो कैसे कंजर्व किया जा सकता है तो बहुत सारे कंट्रीज में देखा गया है कि पॉलिनेटर कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं बिटवीन फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए जाते हैं जो कि एक पॉलीनेटर कॉरिडोर की तरह काम करता है जैसे कि ये जो मैमल्स है या बर्ड्स है ये जो है ये एक जगह से दूसरे जगह जा पाए खासकर फ्रेगमेंटेड जो लैंडस्केप्स होते हैं जहां पे बीच में कोई ह्यूमन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है रोड्स है या ऐसी चीजें हैं वहां पे ऐसे कॉरिडोर बनाए जाते हैं नेक्स्ट है प्लांटिंग पॉलीनेटर फ्रेंडली प्लांट्स यानी जो पॉलीनेटर फ्रेंडली प्लांट्स है उसको प्लांट करना हर जगह आप एग्रीकल्चर लैंड हो उसके किनारे आप कर सकते हो रोड के किनारे या फिर अपने घरों के आसपास भी आप कर सकते हो जो पॉलिनेटर फ्रेंडली प्लांट्स है ठीक है उसके बाद जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो जितना ज्यादा फोकस हमारा दूसरे इंसेक्ट्स पे है लाइक बीज पे है या जो फ्लैगशिप स्पीशीज पे जितना ज्यादा फोकस है इन मैमल्स पे भी होना चाहिए क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो एक्सटेंड होना चाहिए और इन्हें भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड प्रोटेक्शन सो दिस वॉज ऑल फॉर टू वीडियो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग जनस्ट